यहाँ पे रेखा दीदी कर रही है चाय नाश्ता समोसा इसका पैर में लग गया नहीं दिखा दिखा दूर से दिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो ब्लॉग बोला था आप लोग को, मंदिर वाला ब्लॉग, वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। मतलब मेरी ही कुछ गलतियों के वजह से वो वाला जो ब्लॉग है वो डिलीट हो गया है। उसके जो सारे वीडियोस थे वगैरह वो डिलीट हो गए हैं, और उसी टेंशन में मतलब मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बहुत दिन तक परेशान थी इस चीज़ से। तो मैं उसके लिए बहुत लेट से ये वाला मतलब ब्लॉग डाल रही हूँ। काफ़ी 5 डेज 6 डेज हो गया है मेरा पिछले वाला ब्लॉग डाला हुआ, और मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। तो मैं कोशिश कर रही थी वो सब वीडियो रिकवर करने की, बट नहीं हुआ लास्ट तक, तो मैंने भी छोड़ दिया कि पिछले बार भी मैंने ऐसे ही किया था बट हुआ नहीं था। इस बार भी उतना मेहनत करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो इस बार मैंने उतना ट्राई ही नहीं किया। सो गाइज, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये कैसा लग रहा है बदलता हुआ मौसम? मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप, और डेली शाम तक में बारिश नहीं जा रही है, और अभी भी हवा चल रही है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा हवा चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, और बोला जाता है टेंशन की कमी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अगर खुशी को जानते हो, अगर मेरा स्टार्टिंग से आप लोग ब्लॉग देख रहे हो तो आप लोग खुशी को जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग वो बोकारो जू वाला मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, उसमें वो है। तो उसी की वजह से तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब हम लोग सोच नहीं सकते कि उसको कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बस लगता है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तो देखती हूँ मैं भी डॉक्टर का पता कर रही हूँ उसके लिए कि कौन सा अच्छा डॉक्टर है, उसके बाद मैं देती रहूँगी अपडेट आप लोगों को। सो गाइज, आज है सैटरडे, और सैटरडे को क्या बनता है स्पेशल? खिचड़ी। तो मैंने भी आज लंच में आज खिचड़ी बनाया है माही को। तो मैं मतलब दो तीन दिन बाद बाद में उसको खिचड़ी खिलाती रहती हूँ, बट आज सैटरडे है तो आज खिचड़ी बननी भी चाहिए। नीचे जो भाभी रहती है वो हर सैटरडे को खिचड़ी बनाती है, और मैं तो मतलब अक्सर भूल जाती हूँ क्या सैटरडे है, क्या आज खिचड़ी उचड़ी बनाना चाहिए। तो आज मैंने बनाया, आज मुझे याद था कि आज खिचड़ी बनाना चाहिए, तो मैंने आज खिचड़ी बनाया है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने बनाया है खिचड़ी। और मेरे बच्चे को भी खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए बनाती रहती हूँ, और माही का भी खाने का टाइम भी हो गया है, तो चलते हैं माही को खिलाया जाए उसकी फेवरेट खिचड़ी। हाँ, छुपा है माही, कहाँ छुपा है? खोल लिए, उठ जाओ उठ जाओ, आराम से। सो गाइज, ये अभी सो करके उठा है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये आज रात जगेगा, बदमाश बच्चा हो गया है तुम, डेली रात जगाता है हम लोग को, तो उनको खींच के कहाँ कहाँ ले जा रहा। तुम छुपो गाइज, मतलब हम लोग कल भी नहीं सोए थे और आज भी नहीं सोना होगा, क्योंकि आज ये उठा है 11 बजे और ये सोया था लगभग 5 बजे, मतलब 5-6 घंटा बाद ये उठा है, मतलब सुबह तक ये नहीं सोएगा आज। यानी हाँ, हम लोग को जागना होगा, बारी बारी से आज जगेंगे। 12 बज रहा है और 12 बजे इसको छुपन छुपाई का गेम खेलना है, ये छुप रहा है बार बार, हम लोगों को खोजने बोल रहा है। मतलब मैं कहीं उसको खोज नहीं रही हूँ तो मुझे खींच के ले जाके जा रहा है कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ, मुझे खोजो मम्मा। ये सारे जगह में तुम्हें यही जगह मिल रही है छुपने की? माही माही माही, आ जा, मैंने खोज लिया, आ जाओ अब, आ जाओ। क्या करेगा तुम आज बताओ? अभी से ही नींद आना शुरू हो गई है। हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है सुबह, और मैं अभी नहाई हूँ जस्ट, क्योंकि मुझे
एकदम ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी नींद एकदम इनकम्प्लीट है दो तीन दिनों से, तो अच्छा नहीं लग रहा था, वो एक्टिवनेस नहीं आ पा रहा था मेरे अंदर। तो मैंने फट से नहा लिया सबसे पहले सुबह हुई तो, और आज मेड भी बहुत जल्दी आ गई थी तो सारा काम भी जल्दी हो गया, तो मैंने नहा लिया। मेरा तो वही काम था सुबह की, सबसे पहले मैं नहा लूँ। और माही का अपडेट ये है कि वो सुबह 6:30 बजे सोया है, मतलब फिर अगेन वो 12 बजे उठेगा, फिर अगेन वो फिर शाम को सोएगा, फिर रात जगेगा। कैसे मैं उसकी टाइम टेबल ठीक करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माही उठ चुका है और इसका बदमाशी भी शुरू हो गया। सो गाइज, अभी थोड़ा बहुत ड्रिलिंग हो रहा है, उसी की वजह से माही उसका शोर उठ गया। अच्छा ही है उठा, वरना वो अभी उठता नहीं 2 बजे के कम। चलो अच्छा है कि कम से कम उसका टाइम टेबल ठीक होगा। हमारे घर पे कुछ बहुत सारे हम लोग कुछ फोटोज वोटोज रखे थे कि ड्रिलिंग वगैरह तो है नहीं हमारे घर पे, तो सोचे कि किसी से करवा लेंगे, तो बस वही वाला हो रहा है अभी। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी बाहर मार्केट जाने के लिए। कुछ कुछ काम है हम लोग को, बाबू का मीन्स माही का बर्थडे आ रहा है तो उसकी तैयारियाँ करनी है बहुत सारी, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। नहीं, इनको हर संडे को सोना रहता, बट क्या करें, मैं मेरा भी कुछ गलती नहीं है, पूरा वीक बिजी रहते हैं तो मुझे वीकेंड में ही टाइम मिलता है। चलिए चलिए, और माही भी रेडी हो चुका है। एक स्माइल दे दो, तो एक स्माइल दे दो, बोल दो सबको कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है। सो गाइज, मैं अभी घर आ चुकी हूँ और आते के साथ ही माई ने पता है क्या किया आज, जो मुझे चिंटू ने गिफ्ट किया था मेरे एनिवर्सरी में, मेरा आइकिया का बहुत सुंदर से बॉल था जो कि मेरा फेवरेट था, वो माही का ही था एक्चुअली। मैं इसमें माही को सारा कुछ खिलाती थी, वो तोड़ दिया। मैं यहाँ पे फटाफट से आज लंच में लेट हो गया तो मैं यहाँ पे उसके लिए लंच बना रही थी फटाफट से, और देखा कि कुछ टूटने का उधर से आवाज़ आया, फिर मैं दौड़ के गई तो देखी कि वो बॉल वो तोड़ चुका है। आज वो मार खा गया मेरे से, माही को आज मैंने बहुत मारा। ऐसा करता ही है कि उसकी दिन ब दिन बदमाशियाँ बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसे मैंने भी कुछ खिला के उसे नीचे भेज दिया है, वो नीचे तन्ना के साथ अभी खेल रहा है, और मैं भी लंच बना रही हूँ ऊपर में। 3 बज चुके हैं आज, लग रहा है 4 बज जाएगा हमारा लंच करते करते। हम लोगों ने बाहर में कुछ खाया नहीं, वैसे कुछ मन नहीं था खाने का क्योंकि कल हम लोगों ने डिनर में बहुत हेवी खा लिया था, तो आज कुछ लाइट सा खा ले घर पे। गाइस, अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं
क्योंकि कुछ कुछ हुआ था, डेकोरेशन का सामान लेना था जो कि हम लोग को लेना बहुत ज़रूरी है। कहाँ है पप्पू? तक ये अपना चिल्लर पार्टी के साथ खेलने चला गया था। आ जाओ, टाटा कर दो, टाटा कर दो। तब तक इसको गाना सुनाई दिया और ये डांस भी करने लगा। डांस करो, देख सकते हैं हमारा तालाब, उसका कंडीशन बन रहा है। देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं खुशी को देखने। इसका बहुत तबीयत खराब है, क्या हुआ है तुमको? अभी तुमको कैसा लग रहा है ये बोलो। अभी लग रहा है, इसको कुछ नज़र वजर लग गया था कुछ दिन पहले, इसकी दादी डेथ की थी तो इतना लोग आया था, तो हो सकता है कि किसी को नज़र लग गया होगा तुमको। नहीं, बहुत घूमती फिरती बहुत ज़्यादा है, सस्ती सवरती बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको नज़र लग गया। और ये लोग मेरा बच्चा को भी उठा दिया है लोग। उठा उठा कैसे ध्रुव? हम लोग छत से देख के बहुत एक्साइटमेंट हो गया था और बहुत तेजी से उतर रहा था हम लोग के लिए। तो ध्रुव तुम्हारे पैर में लग गया, इसका पैर में लग गया, दिखा दिखा दूर से दिखा, सेंसिटिव कंटेंट बता देगा। इतना एक्साइटमेंट देख के लोग इतना खुशी हो जाता है हम लोग। यहाँ पे खरीदी कर रही है चाय नाश्ता इतना गर्मा गरम। अच्छा, और हम लोग को ना पॉपलो देख के बहुत इग्नोर कर रहा है, जैसे कि हम लोग जानते ही नहीं है। खाते बच्चा लोग के साथ खेलते है, इसको सीढ़ी पे जाना नहीं होता, तब पर दूर पड़े इसको सीढ़ी पे जाना नहीं। बदमाशी, इसको पानी के साथ कुछ अलग ही रास्ता है, पानी देख के पागल हो जाता है। हाय, कितना बदमाशी करना सिखाए तुम? हाय गाइस, अब हम लोग चले घर, रात का 10:30 बजने वाला है और काफ़ी टाइम बिता दिया इन लोग के साथ। इन लोग को रुकने बोल रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है। आप लोग थोड़ा सा इसका आवाज़ भयानक लग रहा होगा लेकिन आप लोग डरिएगा मत, इसका ओरिजिनल आवाज़ अभी तक आया नहीं है वापस। तो गाइस अभी रात के 2 बज रहे हैं और मेरे पसीने आप अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा भी काम की हूँ, मतलब कि बहुत कुछ मिसिंग था बहुत दिनों से, वो सब कुछ ढूंढ रही थी क्योंकि सब कुछ मिल गया है। बट घर की साफ़ सफाई भी मैंने बहुत ज़्यादा कर दी, अभी सोची जगह जगह क्या करूँ क्योंकि माई तो अभी तक सोया नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ काम ही कर लूँ। तो काम करते करते मतलब बेड वेड के नीचे भी मैंने बहुत सारी गंदगी और साफ सफाई की है, जिसकी वजह से मुझे अभी नहाना ही पड़ेगा एनी हाउ। बहुत मैं मतलब डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लग गया है कपड़ों में। तो गाइस, इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग पे बहुत जल्दी। अभी के लिए बाय बाय।